हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में हम वन शोल्डर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है वो सब कुछ हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो जो भी हम नाप से ब्लाउज बनाने वाले हैं वो नाप आपको यहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो यहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जो कटिंग करेंगे ना, सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे ना। तो आपको फर्मा निकालना है। तो फर्मा मतलब कि जो भी हम ब्लाउज बनाते हैं ना, उससे पहले हमें पैटर्न बनानी पड़ती है। तो वो पैटर्न हमें कहाँ किस पे निकालनी है, तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा अस्तर रहेगा तो उस पे भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो फिर आप पेपर पे भी निकाल सकते हो। तो अभी तक हम फर्मा निकालते हैं ना, तो हम सिर्फ एक साइड का फर्मा निकालते आ रहे थे ना। तो इसमें क्या करना है, आपको दोनों साइड का फर्मा निकालना है। तो इसके लिए आपको कपड़े को रखोगी तो ऑन फोल्ड ही रखना पड़ेगा, मतलब ऐसे बिछाना है, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। तो एक साइड हमारी ऑन फोल्ड साइड रहनी चाहिए, या फिर आप पेपर पे करोगी ना तो पेपर पे भी वो साइड आपकी ऑन फोल्ड साइड रहनी चाहिए। ओके, तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो हम पहले देखेंगे। अभी जो भी हम ब्लाउज बनाने वाले हैं ना, वो ब्लाउज हमारी किस टाइप की रहेगी, तो वन साइड हमारा शोल्डर रहेगा, ये हो गया हमारा शोल्डर, फिर ये हो गया हमारा आर्म होल, और ये जो पार्ट रहेगा ना वो इस तरीके से क्रॉस में जाएगा, और यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे और यहाँ पे कुछ भी पैटर्न बना देंगे। प्रिंसेस कट हम रखेंगे, जैसा हमारा फ्रंट का लुक रहेगा सेम बैक का भी सेम रहेगा। सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि बैक साइड में ना हम प्रिंसेस कट नहीं बनाएंगे, उसको प्लेन रखेंगे। अगर आप बैक साइड में डार्ट लेना चाहो तो आप डार्ट ले सकते हो। और साइड में हम यहाँ पे चेन लगाने वाले हैं, तो इसको हमें कौन से ब्लाउज में गिनना है उसको हमें बैक में गिनना है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे मैं पेपर पे बना रही हूँ, अगर आप चाहो तो फैब्रिक पे भी बना सकते हो। हमें फर्मा निकालना है। तो ये जो साइड रहेगी ना, ये हमारी ऑन फोल्ड साइड रहेगी और ये हमारी ओपन साइड रहेगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब जितना भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हमें हाफ कर देना है, मतलब कि हमें डिवाइड टू करना है। तो फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंच का है, डिवाइड हम टू करेंगे तो हमें मिलेगा 6.75 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से हम 6.75 इंच पे मार्क कर देंगे। 6.75 इंच मतलब 6.5 इंच और 2 लाइन, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। अब जो ये 1 इंच डाउन जाना रहेगा ना, वो सब के लिए फिक्स रहेगा। और ऑन फोल्ड साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है, वो भी सब के लिए फिक्स रहेगा। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हम सबसे पहले हम बैक साइड का जो लेंथ है ना उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो बैक साइड जब आप बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे होंगे तब आपको लेंथ की मार्किंग स्ट्रेट लाइन से करनी है। तो भले आप बैक पार्ट ड्रॉ करे हो बट लेंथ की मार्किंग आपको फ्रंट पार्ट के हिसाब से ही करनी है। तो स्ट्रेट लाइन से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। 14 इंच की हमारी ब्लाउज की रेडी लेंथ है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच पे मार्क कर देंगे। दोनों साइड पे हम 15 इंच पे मार्क कर देंगे, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन रहेगी ना उसको हम बोलेंगे वेस्ट लाइन। अब यहाँ से हमें आर्म होल बनाना है। तो आर्म होल बनाने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होता है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो उसके लिए हमारे पास चार्ट है। साइज के हिसाब से आपको कौन से पैक नेक में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी जो हमारी चेस्ट है वो 29 इंच की है, तो चेस्ट 28 से प्लस है तो ये वाली लाइन में आएगा। और पैक नेक है तो हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5 इंच। 1.5 इंच भी ले सकते हो आप, नहीं तो फिर 1.75 इंच भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी लोगे तो चलेगा। अब चेस्ट हमारी 29 इंच की है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5 इंच तो हमें मिलेगा 6.3 इंच। तो जो भी हमारा 6.3 इंच आया उसको हम मार्क कहाँ पे करेंगे, तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है, फिर 6.3 इंच मतलब कहाँ पे मार्क करना है, तो 6.5 इंच में एक लाइन कम, ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइन रहेगी ना उसको हम बोलेंगे चेस्ट लाइन। ये वेस्ट लाइन हो गई और ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई।
ये चेस्ट लाइन है तो यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी पड़ेगी। तो चेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करनी है, कितने इंच की लूजिंग, तो टू इंच की लूजिंग। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 इंच की लूजिंग क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये छोटी साइज है। अगर नॉर्मली आप यूज करना चाहो तो 2.5 इंच लूजिंग प्लस कर सकते हो, क्योंकि ये पैक ब्लाउज है ना, इसके लिए हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। तो चेस्ट हमारी 29 इंच की, उसमें हम प्लस 2 इंच लूजिंग करेंगे, फिर इसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.75 इंच। 7.75 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, फिर सिलाई का हमें ऐड करना है 1.5 इंच। ये ऐड करके हो गया। अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग भी कर लेंगे, तो वेस्ट हमारी 23 इंच की है, डिवाइड हम 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 5.75 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से हम 5.75 इंच पे मार्क करेंगे और सिलाई का हमें ऐड करना है 1.5 इंच। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन रहेगी और ये हमारी मार्जिन की लाइन रहेगी। ये कंप्लीट हो गया। अब जब भी हमारा पैक ब्लाउज रहता है तो आर्महोल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से जितना भी रहता है उसमें हम 1 इंच माइनस करके मार्क करते हैं, फिर यहाँ पे जितना रहता है उसमें से हम 1/2 इंच माइनस करते हैं। तो सेंटर, उसके लिए पहले हमें इसका सेंटर लेना पड़ेगा। तो इंची टेप को हम यहाँ पे स्ट्रेट रखेंगे, फिर चेस्ट लाइन तक हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये हमने फोल्ड करके हो गया, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। फिर यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया था, 6.75 इंच, तो यहाँ पे हम 1 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5.75 इंच। 5.75 इंच पे मार्क करके हो गया। अब 6.75 इंच में से 1/2 इंच माइनस करना है तो हमें कितना मिलेगा, 6.2 इंच। तो 6.2 इंच पे मार्क कर दिया। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच पे मार्क कर देना है। ये हमने 1 इंच पे मार्क करके हो गया। अब जो भी हमने सेंटर निकाला है ना, वहां से हमें 1/2 इंच जितना बाहर मार्क करना है। 1/2 इंच जितना हम बाहर मार्क करेंगे, अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने ये मार्क किया और ये मार्क, इसको हम ध्यान में रखते हुए हम बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। देखो ये हमारा बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ हो गया। कहीं पे भी हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अब हमें रेडी शोल्डर कितना रखना है उसकी मार्किंग करनी है। तो रेडी शोल्डर हमें चाहिए 2.5 इंच, तो 1 इंच हमें प्लस करना है, तो 3.5 इंच पे हमें एक मार्क कर देंगे। 3.5 इंच पे मार्क करके हो गया। तो यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी चेंजेस करना रहेगा वो सब हम करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो साइड रहेगी ना, ये हमारी ऑन फोल्ड साइड रहेगी। यहाँ पे भी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। फुल शोल्डर डिवाइड 2, फुल शोल्डर हमारा 13.5 इंच डिवाइड 2, तो हमें मिलेगा 6.75 इंच। ऑन फोल्ड साइड हम इंची टैप को रख देंगे, 6.75 इंच पे एक मार्क कर देना है। अब जो भी हमने 6.75 इंच पे मार्क किया, वहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। 1 इंच हम डाउन जाएंगे, फिर स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देनी है। अब 2.5 इंच पे मार्क करना है। ये सब मार्किंग ना फिक्स रहेगी, सिर्फ आपकी शोल्डर की मार्किंग साइज के हिसाब से अलग रहेगी। ये हमने क्रॉस मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो बैक पार्ट में हमने कौन सा सूत्र यूज किया था, ये वाला, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5 इंच। तो सेम हमें यहाँ पे भी कर देना है। चेस्ट हमारी 29 इंच की, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.5 इंच, तो हमें मिलेगा 6.3 इंच। तो 1 इंच जहाँ से डाउन गए हैं, वहाँ से हम इंची टैप को स्ट्रेट रखेंगे, फिर 6.3 इंच पे हमें एक मार्क कर देना है। 6.3 इंच पे मार्क करके हो जाएगा। वहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये जो लाइन रहेगी ना, ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब हमें शोल्डर का सेंटर लेना है। तो शोल्डर का सेंटर हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से इंची टैप को 2.5 इंच तक फोल्ड कर देना है। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसका हमें सेंटर मिल जाएगा। सेंटर पे हमने मार्क कर दिया। सेंटर पे मार्क कर दे करने के बाद इंची टैप को हमें स्ट्रेट रख देना है। ऐसे स्ट्रेट रख के हो जाएगा। अब हमारा फ्रंट का नेक डिप कितना है वो अभी नहीं देखना है, क्योंकि ये हम 1 शोल्डर ब्लाउज बना रहे हैं ना इसके लिए। तो अभी हम मार्क करेंगे शोल्डर टू अपेक्स की। तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा जितना भी रहेगा उसमें हमें 1/2 इंच प्लस कर देना है। तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9.5 इंच का है, प्लस 1/2 करेंगे तो 10 इंच आएगा। तो 10 इंच पे हमने मार्क कर दिया।
फिर हमारी लेंथ की मार्किंग करनी है, तो लेंथ हमारी जितनी भी रहेगी उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो 14 इंच की हमारी लेंथ है, 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 15 इंच आएगा। तो 15 इंच पे हमने मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया हमारा अपेक्स पॉइंट, और ये जो लाइन रहेगी ना ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। अब यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी रहेगी। सबसे पहले हम अपेक्स की मार्किंग करेंगे, तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितने इंच का है, 6 इंच का। तो जितना भी आपका अपेक्स टू अपेक्स रहेगा उसको आपको डिवाइड टू कर देना है, तो डिवाइड टू करेंगे 6 का तो हमें कितना मिलेगा, 3 इंच मिलेगा, तो 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे आपने जितने भी इंच पे मार्क किया होगा उसमें से आपको 1/2 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क कर देना है। 3 इंच पे मार्क किया तो 1/2 इंच माइनस करेंगे तो 2.5 इंच आएगा, तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे मार्क करके हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कम्प्लीट हो जाएगा। अब हमें टक्स बनाना है, तो टक्स हमें साइज के हिसाब से कितने इंच का टक्स लेना है उसके लिए आपको ये चार्ट देखना है। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट 29 इंच की चेस्ट है, तो हमें वेस्ट में कितने इंच का टक्स लगाना पड़ेगा, 2.5 इंच। बट यहाँ पे आपको एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है कि जब भी आपका बस्ट पार्ट कम रहेगा तो जितनी भी आपको यहाँ पे साइज मिलेगी ना उसमें आपको 1/2 इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमारा 2.5 इंच है तो हम इसमें से 1/2 इंच माइनस कर देंगे, तो मतलब हमें सिर्फ 2 इंच का ही टक्स लगाना रहेगा। तो यहाँ पे हम 2 इंच का टक्स लगाएंगे, तो यहाँ से हम इंची टैप को रख देंगे। फिर 2 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया। अब जो भी हमने 2 इंच पे मार्क किया है ना उसको हम यहाँ से क्रॉस ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा टक्स। अब वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट का हमें डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है। वेस्ट हमारी कितने इंच की है, 23 इंच की, उसका हमें डिवाइड 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5.75 इंच। तो इसकी मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो जो भी हमने टक्स की मार्किंग की ना उसको हम यहाँ तक फोल्ड कर देंगे। ये हमने यहाँ तक फोल्ड करके हो जाएगा। अब हम आंसर हमारा कितना आया, 5.75 इंच। तो 5.75 इंच मतलब कितना, 5.5 इंच और 2 लाइन, 5.75 इंच पे मार्क करके हो जाएगा। अब इसको जैसे था वैसे हम रख देंगे। फिर सिलाई का हमें ऐड करना है 1.5 इंच। ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट में हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करनी है। चेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करनी है, तो बैक साइड में हमने कितने इंच की लूजिंग ऐड की थी, 2 इंच की। मगर अब अगर आपकी हैवी साइज रहेगी ना तो आपको यहाँ पे 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। चेस्ट हमारी 29 इंच की है, उसमें हम प्लस 2 इंच करेंगे, फिर इसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.75 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से हम 7.75 इंच पे इंची टैप को रख देंगे। फिर यहाँ पे हम मार्क कर देंगे और सिलाई का हमें ऐड करना है 1.5 इंच। यहाँ पे आप सिलाई का 2 इंच भी प्लस कर सकते हो। अब ये वाले पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिला देना है और ये वाले पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिला देना है। अब पहले ना हम नीचे का जो भी रहेगा ना वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ऊपर का देखते हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो टक्स है ना उसको हम स्ट्रेट टक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो बॉडी का शेप रहता है ना वो किस तरीके का रहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे शेप रहता है ना, तो यहाँ पे ऐसे राउंड शेप रहता है, तो इसको हमें कैसे कवर करना है। तो पहले तो हमें अपेक्स और वेस्ट का सेंटर ले लेना है। यहाँ से रख के इंची टेप को फोल्ड कर देंगे यहाँ तक, फिर इसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। अब जो भी हमने सेंटर निकाला उसका भी हमें वेस्ट लाइन तक का सेंटर ले लेना है। तो यहाँ से हम इंची टैप को रख के यहाँ पे सेंटर ले लेंगे। अब इसको हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे रख के इसका भी हमें सेंटर ले लेना है। तो टोटल यहाँ पे 3 सेंटर मिल जाएगा। अब जो भी हमारी वेस्ट लाइन है ना उससे पहले जो सेंटर लिया था ना वहाँ से हमें 1/2 इंच जितना फिटिंग की साइड मार्क करना है। अब यहाँ से हमें 0.25 इंच जितना मार्क करना है और यहाँ पे तो हमें कट टू कट ही रखना है। अब ये वाले पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिला देना है, ये वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पे मिलाएंगे और जो भी हमारा 0.25 इंच वाला है ना उसको हम यहाँ पे मिलाएंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे। देखो ऐसे शेप हो जाएगा। अब जो भी हमारा ये है ना इसको हमें यहाँ से एक लाइन जितना हम अंदर जा सकते उस तरीके से हमें शेप देना है। ऐसा हम शेप दे देंगे। फिर यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो पॉइंट नहीं बनना चाहिए, तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी शेप दे देना है। अब ये टक्स तो दोनों साथ में जॉइंट होगा ना, तो
ये टक्स तो हमने ऐसे सेप दे दिया है, तो ये लाइन जितना ये टक्स नहीं होगा, ये लाइन नहीं होगी, तो हमें क्या करना है, इसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना इंच आ रहा है, 5 इंच जितना आ रहा है, 5 इंच और थोड़ा सा, तो सेम ये भी हमारा उतना ही आना चाहिए। तो यहाँ से हम इंची टेप से चेक करेंगे कि ये हमारा कितना इंच आ रहा है। तो 5 इंच और जो भी था वो मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हमारा कितने इंच का गैप हो रहा है, 1/2 इंच, तो उसका डबल हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो 1 इंच पे हम मार्क करेंगे। यहाँ पे आपका जितना भी गैप बच रहा है ना, उसका आपको डबल यहाँ पे मार्क कर देना है। ये वाली मार्किंग रहेगी ना, ये हमारी फाइनल मार्किंग रहेगी। अब ये पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मिला देना है, इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है। क्रॉस लाइन ड्रॉ करके हो गया, अब जो भी हमारा नीचे का पार्ट रहेगा ना, ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। ये हो गया। अब ऑन फोल्ड साइड से हमें 1/2 इंच जितना ऊपर मार्क करना है, वो सबके लिए फिक्स रहेगा। आपकी साइज कोई भी रहेगी, सबको 1/2 इंच ऊपर जाके ही मार्क करना है। अब ये लाइन को हम यहाँ पे क्रॉस ड्रॉ कर देंगे और ये भी पूरा हमारे यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो देखो नीचे का पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करना है। तो सेम जैसे हमने बैक पार्ट में किया, सेम तरीके से इसमें भी मार्क करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर लेके पहले एक मार्क कर देना है। सेंटर में मार्क करके हो गया, जितना भी हमने यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया, 6.75 इंच पे, 6.75 इंच पे हमने मार्क कर दिया। इसका हमें, इसमें से हमें 1 इंच माइनस करना है, तो हमें कितना मिलेगा, 5.75। तो 5.75 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हमें 1/2 इंच माइनस करना है, तो 6.25 इंच पे मार्क कर देंगे। यहाँ पे हमें 6.75 इंच पे मार्क करना है। तो ये वाले लाइन को नहीं देखना है, अब हमें ये वाली लाइन को देखना है। अब जो भी हमने सेंटर पे मार्क किया है ना, उसको हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमें 0.75 इंच पे मार्क करना है। तो जब भी आपकी चेस्ट 40 से अप रहेगी तो आपको यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है, और 40 से कम रहेगी तो आपको 0.75 इंच पे मार्क करना है। अब ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ अब हम आर्म होल में टक्स लगाएंगे। तो जब हमने वेस्ट में टक्स लगाया था, तब हमने ये वाला चार्ट देखा था ना, तो साइज के हिसाब से आर्म होल पे हमारा कितने इंच का टक्स लगेगा, तो 1.25 इंच का। तो 1.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो इसको हम देखेंगे कि आर्म होल पे वो कहाँ पे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है, तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब उसका हमें 1/2 कर देना है। 1/2 करेंगे तो जो भी आएगा ना, उसको हम ऊपर की साइड पे एक मार्क करेंगे। अब ये जो मार्किंग की ना, उसको हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। यहाँ पे मिलाएंगे। अब 1/2 इंच जितना मैं यहाँ पे डॉट डॉट लाइन बना रही हूँ। अब यहाँ पे हमें 1.25 इंच का हमारा टक्स था ना, तो 1.25 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। अब ये वाले मार्किंग को भी हम अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। अब ये दोनों टक्स हमारा साथ में जॉइंट होगा, तो इसको भी हमें चेक करना है। तो ये हमारा 5.75 इंच आएगा, तो ये भी हमारा 5.75 इंच ही आना चाहिए। अब साइड फिटिंग वाली साइड हम 1/2 इंच डाउन जाएंगे, ये सबके लिए फिक्स रहेगा। अब ये जो साइड वाली लाइन है ना, उसको ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखना है। स्केल को हमें ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट नहीं रखना है। ये लाइन आपकी इतनी क्रॉस हुई होगी, तो स्केल को भी ऐसे क्रॉस रखना है। तो साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो भी हमने यहाँ पे मार किया है ना, उसको भी हमें स्केल को स्ट्रेट कैसे रखना है, तो यहाँ पे हमारा जितना भी गैप आएगा ना, उतना ही हमारा यहाँ पे आना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे, फिर यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें नया आर्म होल ड्रॉ कर देना है। तो ये जो रहेगा ना, ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये सब हो गया। अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच का है, 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें 3.5 इंच मिलेगा। यहाँ पे हम सिर्फ मार्किंग करके रखते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अभी मैं जो भी पार्ट कट करूंगी ना, वही पार्ट आपको भी कट कर देना है। तो जो भी हमारी नीचे वाली लाइन है, उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। टक्स को भी हमें पूरा कटिंग करके निकाल देना है।
पे हमने इसकी कटिंग करके कंप्लीट हो गया। जिस तरीके से मैंने इसको ज्यादा रखा है ना, उसी तरीके से आपको भी इसको ज्यादा ही रखना है। अब जो भी हमारा ये वाला टक्स है ना, उसको हम माइनस कर देंगे। तो जो भी हमने लाइन ड्रॉ की ना, उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम इसको फोल्ड कर देंगे। फिर ये वाली लाइन तक हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। एग्जैक्ट हमें इसको कट टू कट फोल्ड कर देना है। ऐसे हमने इसको फोल्ड करके हो गया। तो देखो यहाँ पे जो भी हमने नया आर्महोल ड्रॉ किया था ना, वो हमारा परफेक्ट शेप में आ जाएगा। अब ये ज़्यादा पेपर है ना, उसको हम कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया। अब इसको हम चिपका देंगे। अगर आप यहाँ पे आप पिंस लगाना चाहो तो पिंस भी लगा सकते हो। अब हमें इसमें प्रिंसेस कट का शेप कैसे देना है ना, वो देखेंगे। तो जो भी हमारी ये वाली लाइन है ना, उसका हमें पहले तो सेंटर, पहले हम इसका इसके नीचे से हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे। ये हाफ इंच पे मार्क करना सबके लिए फिक्स है। अब दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर पे मार्क करके हो गया। जो भी हमने मार्क किया ना, वहाँ से हमें 0.25 इंच और एक लाइन जितना बाहर मार्क करना है। सबको इतना ही मार्क करना है, 0.25 और एक लाइन जितना। अब ये वाले पॉइंट्स को, ये वाले पॉइंट्स को और ये वाले पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व रहेगी ना, आपको फ्रेंच कर्व रख के यहाँ पे शेप दे देना है। तो देखो यहाँ पे मैंने प्रिंसेस कट का शेप दे के हो गया। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए, इसके लिए आपको राउंड शेप ही दे देना है। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करके हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से माइनस कर देंगे। तो देखो कहीं पे भी हमारा पॉइंट नहीं बनेगा। अभी हमें बैक पार्ट ले लेना है। अब बैक पार्ट को हमने यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन जाना है, सबके लिए फिक्स रहेगा। हाफ इंच हम डाउन जाके एक मार्क कर देंगे। अब जो भी हमारा प्रिंसेस कट का शेप है ना, उसको हम यहाँ पे रखेंगे। फिर ये वाली लाइन जितनी भी क्रॉस जा रही है, उसको हम जाने देंगे, और ये वाली लाइन भी ऐसे। अब इसको हम यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट, और ये वाली लाइन को भी हमें यहाँ तक स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। अब जो भी हमारा बैक साइड का आर्महोल है ना, उसको हमें ये वाली लाइन के साथ मिला देना है। यहाँ पे हमारा कितने इंच का गैप आ रहा है, तो हाफ इंच और एक लाइन। तो आप यहाँ पे हाफ इंच और एक लाइन भी मार्क कर सकते हो, नहीं तो आपको इसमें 0.25 इंच प्लस करना रहेगा, तब भी आप प्लस करके मार्क कर सकते हो। 0.25 मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। अब इसको स्ट्रेट रखेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो नीचे का जो भी रहेगा वो पूरा हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। अब हमने फ्रंट पार्ट को ये कट किया था ना, तो आपको दूसरी साइड का भी ले लेना है। मतलब इसको ऐसे ऑन फोल्ड रखना पड़ेगा आपको। ओके, ये फोल्ड साइड रहेगी तो आपका साथ में निकलेगा। यहाँ पे मैंने एक ही पेपर लिया था ना, तो मैंने यहाँ से इसको दूसरा चिपका के उधर की साइड भी कर दिया है। अब हम इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार किया था, हमें रेडी शोल्डर कितने इंच का चाहिए, तो 2.5 इंच। तो 1 इंच प्लस किया तो 3.5 इंच आया। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब जो ये वाला पॉइंट है ना, उसको हमें यहाँ तक लेके आना है। तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से शेप दे देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने 1 शोल्डर की मार्किंग कर दिया है। ओके, ये वाले पॉइंट से मैंने इस तरीके से यहाँ तक शेप दे दिया। अब इसको हमें कट कर देना है। देखो ये हमने कट करके हो गया। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसेस कट लग जाएगा, इस तरीके से प्रिंसेस कट यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारा ऑफ शोल्डर, दूसरा प्रिंसेस कट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बैक पार्ट में भी सेम तरीके से ही करना है। अभी हमने यहाँ पे बैक पार्ट ले लिया है। बैक पार्ट में भी मैंने पेपर यहाँ से चिपका दिया है, ताकि हम इसको ओपन करेंगे ना, तो ये दोनों साइड का पार्ट हमें मिल जाए। तो आप जब भी फर्मा कट करोगे ना, आपको भी फर्मा ही कट करना है, बट फर्मा कट करोगे ना तो बड़ा पेपर लेना, ताकि आप ऑन फोल्ड भी रख सको। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ की थी ना,
उसमें हम एक इसको फोल्ड करेंगे, फिर चेस्ट लाइन जहाँ तक थी वहाँ पे ना हम कट्स लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि यहाँ तक हमारी चेस्ट लाइन थी। देखो ऐसे मैंने कट्स लगा दिया। अब इसको ओपन करेंगे। अब जो भी हमारा ये शोल्डर का जो पार्ट है ना उसको हमें यहाँ पे एंड देना है, तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करते जाएंगे यहाँ तक। अब यहाँ पे हमारा हाफ इंच इतना तो शोल्डर सिलाई में जाने वाला है, तो यहाँ पे मैम हम मार्क कर देंगे हाफ इंच इतना, फिर यहाँ से हमें मार्क कर देना है वन शोल्डर का। इस तरीके से हम यहाँ पे शेप दे देंगे, वो शेप को हमें चेस्ट लाइन तक एंड कर देना है। अब हम इसको भी कट कर देंगे। अब सिलाई का हमें कहाँ कहाँ पे ऐड करना रहेगा ना फ्रंट पार्ट में, वही देखना बाकी है। ये बैक पार्ट भी हमने कट कर दिया, ये हमने फ्रंट पार्ट भी कट कर दिया। अब मैं आपको बता दूंगी कि सिलाई का हमें कहाँ कहाँ पे ऐड करना है। तो ये जो पूरा पार्ट है ना यहाँ पे आपको सिलाई का ऐड कर देना है हाफ इंच, सेम हमें यहाँ पे भी सिलाई का ऐड कर देना है हाफ इंच। ये हो गया। प्रिंसेस कट को आपको दो निकालना है, तो प्रिंसेस कट में आपको यहाँ पे सिलाई का ऐड कर देना है हाफ इंच, यहाँ से लेके याद है। तो जब भी आप फैब्रिक की कटिंग करोगे तो आपको रखना है सिंगल पेपर पे रखना है, इसको तो सिंगल ही रखना है, फिर यहाँ पे हाफ हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक को रख के फिर इसको बाद में कट कर देना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे सिलाई का ऐड नहीं करना है, सिर्फ दोनों साइड पे और एक प्रिंसेस कट में। तो ये हमारी ब्लाउज की कटिंग कम्प्लीट हो चुकी। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज की पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमने बैक पार्ट को भी कट कर दिया है। बैक पार्ट में आपको कुछ भी सिलाई का ऐड करने की जरूरत नहीं है, और फ्रंट पार्ट पे आपको कहाँ कहाँ पे सिलाई का ऐड करना रहेगा वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो इतनी हमारी ब्लाउज की कटिंग थी। तो इसको आपको जो भी हमारा जो भी आपका अस्तर का कपड़ा रहेगा ना उसमें आपको सिलाई का प्लस करके उसको कट कर देना है, और जो मेन फैब्रिक रहेगा ना उसको आप ज्यादा भी कट कर सकते हो, नहीं तो उसको कट टू कट भी कट कर सकते हो। ओके, तो इतना आपको कटिंग करके रख देना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो रहेगी ना वो हमारी इसी ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो रहेगी। तो ये ब्लाउज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी आपको कौन सी ब्लाउज की वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।